आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्स। तो अलग अलग टाइप के हम पोल्स पढ़ेंगे इसमें, और उनकी लेंथ कितनी होती है, वोल्टेज कितना कैरी कर सकते हैं, मतलब स्पैन क्या होता है, एज और कॉस्ट क्या होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं वुडन पोल के बारे में। तो वुडन पोल की जो लेंथ होगी वो होगी 10 से 14 मीटर। इनके बीच में वुडन पोल की हाइट होती है। और वोल्टेज कितने वोल्टेज रेटिंग के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं, कितने वोल्टेज के तारों के लिए यूज़ कर सकते हैं इसे, अप टू तो 20 KV की जो लाइन होगी वहाँ तक के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो स्पैन होगी, दो कॉन्सिक्यूटिव पोल्स जो होंगे वुडन, यानी कि दो लगातार जो पोल होंगे वुडन पोल, उन दोनों के बीच में दूरी कितनी होगी, 40 से 50 मीटर। और इनकी एज होगी 20 से 25 ईयर्स। कोस्ट और से कंपेयर करें तो लो। अब सेकंड आते हैं आरसीसी पोल्स, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो इनकी जो लेंथ होती है वो 8 से 11 मीटर। और कितने वोल्टेज तक इसे यूज कर सकते हैं, अप टू 11 KV। इनकी स्पैन क्या होगी, स्पैन होगी 80 से 100 मीटर। आपने देखा होगा आपकी कॉलोनियों में या फिर आपके गांव में आरसीसी जो पोल होते हैं, उन दोनों के दो पोलों के बीच में इतना डिस्टेंस रख सकते हो, और होगा भी वहाँ पर। तो इनकी एज कितनी होती है, 50 साल। और इनकी कोस्टिंग हम मीडियम ले सकते हैं, यानी कि वुडन से ज़्यादा लेकिन स्टील लेटिस पोल जो होते हैं उनसे कम, हम आगे से पढ़ने वाले हैं। तीसरा, स्टील टुबुलर पोल। स्टील टुबुलर पोल आपने देखा होंगे, 33 की लाइन जा रही होगी आपके शहर से या फिर आपके रोड के साइड से। तो इसके अलग अलग डायमीटर होते हैं, डायमीटर के तीन सेक्शन होते हैं इसमें, यानी कि टुबुलर टाइप का होता है, ये स्टील का होता है। इसकी लेंथ होती है 8.5 से 12 मीटर। और कितने केवी तक हम यूज़ कर सकते हैं, 33 KV, सॉरी। और स्पैन कितना दे सकते हैं दो पोलों के बीच में, 50 से 80 मीटर। एज लगभग 50 मीटर, सॉरी 50 साल ईयर। और इसे भी हम मीडियम कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि सबसे हाई वाली जो रेटिंग जाती है, पोस्ट आती है, वो स्टील लेटेस्ट पोल की जाती है। फोर्थ, रेल पोल। रेल पोल आपने बहुत जगह देखे होंगे, जो ट्रेन की पटरी होती है उसी का एक सेक्शन को पोल बना लिया जाता है, तो उसी को रेल पोल बोलते हैं। इसकी लेंथ होती है 11 से 13 मीटर। यूज़ कर सकते हैं हम अप टू 33 KV। स्पैन हम दे सकते हैं इनके बीच में 120 मीटर का। और एज इनकी होती है 80 साल, और इसे भी हम मीडियम के कैटेगरी में रखेंगे। अब आता है फिफ्थ टाइप ऑफ पोल, स्टील लैटिस पोल, यानी कि ये ऐसे आपने रेलवे के पोल देखे होंगे, उस हिसाब से ये पोल होते हैं, स्टील लैटिस पोल। लेकिन इनका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है, आप इंटरनेट पे से सर्च करके देख सकते हो। इनकी जो लेंथ होती है 13 से 15 मीटर, और इसे हम यूज़ कर सकते हैं अप टू 66 KV। स्पैन हम दे सकते हैं इसमें 200 मीटर तक का।
ईयर 80 और इसके कोस्ट हाई, इतने तो हो गए पोल्स। अब इसके बाद आता है, हम अलग क्लासिफाई कर सकते हैं लेकिन इसमें हम कर देते हैं, कि इनके बाद आते हैं हम स्टील टावर्स। अब ये टावर की कैटेगरी में आ गया, वो पोल नहीं रहा। पांच ऊपर पोल हो गए और ये नीचे आ गया टावर। तो 300 मीटर और एबव, इससे ज़्यादा की स्पैन के लिए हम स्टील टावर्स का यूज़ करते हैं। और इनकी एज का आप अनुमान लगा सकते हैं कि कब से आपने देखे होंगे कि टावर की बहुत ही इनकी एज होती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही।